हरिओम श्री राम अम्बज्ञा। मेरा नाम उल्लास सिंह उतेकर, मैं मांझरपुर बड़ौदा केंद्र से हूँ। बापू के सानिध्य में 2012 से मैं जुड़ा हुआ हूँ। बापू के सानिध्य में आने के बाद में मुझे बहुत ही ऐसा सुकून मिला था। बापू के यहाँ आने के बाद में जो पिछला जीवन जो हमारा होता है, उस जीवन के बाद में इस जीवन में आने का कुछ आनंद ही और अलग होता है। बापू के शरण में जाने के बाद मैं उपासना जप करने लगा, बापू का नाम स्मरण करने लगा। जो पठन बापू ने दिए थे, वो पठन के माध्यम से जो हमें जीवन में जो शक्ति मिलती है, जो बापू का आशीर्वाद ही है, उस हिसाब से हमारे जो जीवन में जो गुरु का तेजो आता है और हमारा जीवन आनंदमय बन जाता है। ऐसे ही मेरा जो एक अनुभव है, मैं आपके सामने शेयर करता हूँ। मैं बापू के शरण में आने से पहले ही मुझे कुछ ऐसे अजीब सी किस्से मेरे से बन रहे थे। जब मैं कुछ व्हीकल लेके अगर जा रहा हूँ तो रास्ते में मुझे अचानक ही आँख पे एक ही अंधेरी जैसी आ जाती थी। कई बार मुझे ऐसा होता था, मैं रास्ते में ब्रेक मार के गाड़ी को रुका देता था। कई बार मुझे ऐसा दिल में ऐसा सोचा कि भाई कोई डॉक्टर को दिखाऊँ, लेकिन डॉक्टर अगर कुछ तब जाँच करने के बाद में अगर कुछ बताता है यार कुछ सर की कुछ तकलीफ है, कुछ बीमारी है, तो एक नया वहम शुरू हो जाएगा। इसके हिसाब से मैं कोई डॉक्टर के पास ही नहीं जा रहा था। एक बार मैं जॉब के लिए निकला था गाड़ी लेके सुबह में, रास्ते में अचानक ही मेरी आँख पे एकदम अंधेरी आ गई, तो मैंने गाड़ी को ब्रेक लगाई, मैं नीचे भी गिर गया, मेरे हाथ में थोड़ी सी चोट भी आ गई थी। बाद में मैंने शॉप पे जाने के बाद में मैंने सोचा कि अगर ऐसा अगर क्या होगा तो मुझे ऐसा हो रहा है। मैं उस अगले शनिवार को जब उपासना में बैठा था, उपासना के समय मैंने बापू के पादों का पे सर रखकर बापू से यही प्रार्थना की, बापू ये सर तुझे सौंप दिया है, अगर जो कुछ करना है अभी तुझे ही करना है, मैं किसी डॉक्टर के पास जाने वाला नहीं हूँ, जो भी है तू ही मेरा डॉक्टर है और तू ही मेरी दवा है। और मैं किसी डॉक्टर के पास आज तक गया नहीं, और उसके बाद में आज तक मुझे ना वो चक्कर आए, ना मेरे आँख पे कोई अंधारी आई है, गाड़ी चलाने में कोई दिक्कत होती नहीं है, और आज तक मैं बिल्कुल अपने को सुरक्षित महसूस करता हूँ। आज ये मेरा जो अनुभव है, मुझे जो बापू ने जो उपासना में खाली बोलने से इतना मुझे बोला बताया कि भाई जो इफेक्ट जो हमारी श्रद्धा होती है, जो हम बापू को हम बोलते हैं तो बापू कितना काम हमारे लिए तात्पर्य करता है। हम लोग बापू को सिर्फ भाव से बोलना चाहिए कि भाई बापू ऐसी हमारी तकलीफ है, बापू तुरंत ही आ जाता है। और ऐसा ही मेरा ये अनुभव जो है, जो मुझे इसने वेव में से बाहर निकला है कि आज मुझे कोई डॉक्टर के पास जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी और हर तरह से मैं सुरक्षित हूँ। अम्बज्ञा नाथ सवेद।